हाय गाइस, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। जी हाँ दोस्तों, मैं विपिन कुमार आप सबका स्वागत करता हूँ सक्सेस गेट फिल्म एकेडमी में। दोस्तों मैं गोरेगांव मुंबई में रहता हूँ और वहाँ पे एक छोटा सा पार्क है मेरे घर के नीचे, बिल्डिंग के नीचे। सो वहाँ पे मैं वॉक के लिए आया हूँ अभी मॉर्निंग में आज, और स्पेशली ये वीडियो उन लोगों के लिए शेयर करना चाहता हूँ, उन ऐसे दोस्तों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, गर्ल्स, बॉयज़, मेंस, वेमेन, जो लोग भी मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। दोस्तों कई सारे ऐसे यूट्यूब इन्फ्लुएंसर हैं या कई सारे ऐसे लोग हैं, चाहे मीडिया में हो या आउटसाइडर हो, डरा के रख दिया है लोगों को। मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, पोलाइटली, बहुत ही पोलाइटली रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि देखो, अगर आप सेफ्टी की बात करते हो तो सेफ्टी गवर्नमेंट भी बोल रही है कि अगर आप सेफ्टी लेना चाहते हो तो COVID-19 की जो बीमारी है, कोरोना वायरस का जो प्रकोप है, इससे थोड़ी बहुत सेफ्टी लेनी है, जैसे मास्क है, सैनिटाइजर है, सोशल डिस्टेंसिंग है, और अपने काम पे लौटना है। जी हाँ दोस्तों, काम पे जब इंसान लौटेगा तभी तो आत्मनिर्भर भारत बनेगा दोस्तों। सो दोस्तों, ये जो खौफ का माहौल बना रखा है ना, कई सारे ऐसे लोग हैं जो बोल रहे हैं मुंबई मत आओ, मुंबई सेफ नहीं है, मुंबई काम करने के लिए सेफ नहीं है, मुंबई में आप सेटल डाउन नहीं हो सकते, मुंबई में बहुत सारी तकलीफें हैं। दोस्तों मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, कोरोना कहाँ नहीं है? दिल्ली में कोरोना नहीं है, भागलपुर में कोरोना नहीं है, जयपुर में कोरोना नहीं है, भोपाल में कोरोना नहीं है। दोस्तों इंडिया के कोने कोने नहीं, वर्ल्ड के हर कोने में जो वायरस है इसका प्रकोप है, लेकिन अभी अनलॉक स्टार्ट हो चुका है। अनलॉक का मालूम है दोस्तों आपको? अनलॉक का मतलब ये है कि धीरे धीरे चीज़ें खुल रही हैं। अभी 5 अगस्त से गवर्नमेंट की एडवाइजरी है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट की एडवाइजरी है कि 5 अगस्त से जिम भी खुल जाएंगे, योगा सेंटर खुल जाएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट भी चाह रही है कि लोग आगे बढ़ें, बढ़ चढ़ के आगे बढ़ें, मेहनत करें, अपने आप को सेटल डाउन करें, चाहे शूटिंग का काम हो। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ फिल्म शूटिंग। जी हाँ दोस्तों, फिल्म शूटिंग इंडिया में एक बहुत बड़ा सेक्टर है। मुंबई में फिल्म शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है, लोग काम कर रहे हैं, सेफ्टी के साथ काम कर रहे हैं। सो जो लोग भी आपको डरा, देखो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप किस तरीके से अपने लाइफ को डिसाइड करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, बस मेरा कंप्लेन, मेरा रिक्वेस्ट उन लोगों से है जो डर का माहौल, लोगों में भय का माहौल बना के रखा है ना, ये डर और भय बनाने से अच्छा है आप बताएं कि अच्छी डाइट लो, अच्छा खाना लो, राइट, सेफ्टी का ध्यान रखो, एक्सरसाइज करो, जो भी गवर्नमेंट बोल रही है उसका पालन करो। लेकिन हाँ, काम पे लौटो दोस्तों, अगर आप काम पे नहीं लौटोगे ना, ये जो मुहिम यू नो चल रखी है इंडिया के अंदर आत्मनिर्भर भारत, कैसे बनोगे आप आत्मनिर्भर? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, काम करोगे नहीं, घर पे बैठे रहोगे, सोए रहोगे तो आत्मनिर्भर बन जाओगे? करना पड़ेगा ना लाइफ में, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, चाहे शूटिंग पे आना पड़ेगा, चाहे योगा सेंटर जाना पड़ेगा, चाहे जिम जाना पड़ेगा, चाहे काम करना पड़ेगा, चाहे बैंक जाना पड़ेगा, चाहे सीखना पड़ेगा, ऑफकोर्स एक्टिंग सीखना पड़ेगा, आपको तो आगे आना पड़ेगा। अगर नहीं आओगे, घर पर बैठे रह जाओगे, तो मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूँ, चाहे अगर आप दिल्ली जाना चाहते हो, चाहे मुंबई जाना चाहते हो, आप जयपुर जाना चाहते हो, काम के सिलसिले में जाना चाहते हो, अपने पेरेंट्स से बात करें, उनको समझाएं कि ये कोरोना जो वायरस है ये रातों रात ख़त्म होने वाला नहीं है। आपको मालूम है कोरोना कब ख़त्म होगा? किसी को नहीं मालूम, ये स्प्रेड हो चुका है पूरे वर्ल्ड में। वैक्सीन आएगा नहीं आएगा, एग्जैक्ट डेट किसी को नहीं मालूम, लेकिन गवर्नमेंट भी यही कह रही है कि आपको सेफ्टी का ध्यान रखना है। सेफ्टी क्या है? बहुत अच्छा खाना खाओ, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग रखो और मास्क लगाओ, सैनिटाइजर यूज करो और आगे बढ़ो। दोस्तों सोने से कुछ नहीं होगा, सोओगे तो खोओगे, आगे बढ़ोगे तो पाओगे, जीवन है ये, जीवन। और गवर्नमेंट का डेटा आपने देखा, कई सारे ऐसे डेटा आ चुके हैं जिसमें लोगों को मालूम ही नहीं है कि किसको कोरोना हुआ था, वो ठीक हो गया, थोड़े से माइल्ड सिम्टम आए और 3-4 दिन 5 दिन में वो बंदा ठीक हो गया। सो दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ कि कई लोग तो वैसे ही ठीक हो जा रहे हैं कोरोना वायरस की, यू नो उनको हो रहा है और वो ठीक हो जा रहे हैं। सो आई होप मैंने अपनी बात आपके सामने रख दी, अभी आप डिसाइड करें कि आपको मुंबई आना है, कि आपको मुंबई नहीं आना है, कि आपको जयपुर जाना है, कि आपको जयपुर नहीं जाना है, कि आपको भोपाल जाना है, भोपाल नहीं जाना है, कि आपको पटना जाना है, नहीं जाना है, ये आपकी लाइफ है बॉस। मेरा काम है सच्चाई बताना, मैं खुद अभी मुंबई में हूँ, गोरेगांव में हूँ, और आप सबके सामने, आप सबकी दुआओं के साथ काम कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, आप सबको सपोर्ट कर रहा हूँ, मोटिवेट कर रहा हूँ और दिनचर्या में लगा पड़ा हूँ। सो आप भी सोचें, मेहनत करें, सबक लें,
और सीखें दोस्तों, सीखें, सीखने फोकस करें। और हाँ, एट द एंड मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आप एक्टिंग सीखना चाहते हैं, ऑनलाइन एक्टिंग, पर्सनल डेवलपमेंट, एंकरिंग, वीडियो शूट, डांस क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, थिएटर ज्वाइन करना चाहते हैं, आज इसी वक्त हमें कॉल करें। डिस्क्रिप्शन में जाएं, जो नंबर है 7219533205, हमारा नंबर, आई रिपीट वन सेकेंड, 7219533205, ये कस्टमर केयर नंबर। इस नंबर पर फ़ोन करें, पूछें हमारे काउंसलर से आप कैसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज विपिन कुमार, फिल्म गुरु, फिल्म मेकर, साइनिंग ऑफ। मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, लव यू।